आज भी हमारे देश में लाखों करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, इसलिए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। आर्थिक तंगी की वजह से वो बच्चे अपनी किताबें खरीद नहीं पाते, बेसिक किताबें, स्कूली किताबें। लेकिन विश्व पुस्तक मेला में जब हमारी नज़र हमारा बुक बैंक पर पड़ी तो हमें इस चीज़ का हल भी यहाँ नज़र आ गया। यहाँ पे मौजूद एनजीओ के लोगों से हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, हमारी नज़र आपके इस बैंक पर पड़ी, हमारा बुक बैंक। ज़्यादातर हम पैसों के बैंक के बारे में जानते हैं, लेकिन इस बैंक में उस बैंक से क्या अलग है, क्या खासियत है? ये बुक बैंक है हमारा बुक बैंक के नाम से। ये हमने 7 साल पहले स्टार्ट किया था। इसका मोटिव है कि जो किताबें रद्दी में बिक रही हैं आज के टाइम में, वो रद्दी में ना बिकें। आज घरों में बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो रद्दी में लोग बेच देते हैं। हम घर घर जाके किताबें इकट्ठी करते हैं और उन किताबों को, उन स्टूडेंट्स को, उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं जो इन किताबों को खरीद नहीं पाते हैं। तो ये बच्चे किस तरह से आपके पास आएँ, किस तरह से आपके पास ये किताबें मिलेंगी, उन्हें क्या दिखाना हो? हमारा एक बुक स्टोर है करोल बाग में, झंडेवालन मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल बगल में है। आप कोई भी स्टूडेंट, जिसको कोई भी पहली क्लास से लेकर हायर स्टैंडर्ड तक की कोई भी बुक, चाहे जी है, नीट है, MBA, BA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या 11th क्लास में 12th क्लास में कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में है, किसी तरह का भी कोई भी किताब चाहिए, वो हमारे यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकता है हमारे स्टोर से, जो कि हमारा करोल बाग में झंडेवालन मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास में है। उसको सिर्फ एक अपना ID कार्ड लेके आना है और ID कार्ड के दिखाने पर उसको वो सारी किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। अभी इस वक्त आपको किस तरह का रिस्पांस मिला विश्व पुस्तक मेला में? आपका ये जो स्टॉल लगा हुआ है हमारा बुक बैंक, उसमें आपको किस तरह का रिस्पांस मिला है, कैसे लोग आए हैं यहाँ पे, कैसे रीडर्स आए हैं? हम यहाँ पर एक मैसेज देने आए हैं लोगों को कि एक बच्चा जब पास आउट हो जाता है और अब दूसरी क्लास में चला जाता है तो वो अपनी किताबें रद्दी में ना बेचे, या तो किसी ऐसे स्टूडेंट को दे जिसको उसकी जरूरत है। अगर वो किसी को नहीं दे पा रहा तो हमारे स्टोर में आके डोनेट करें, ताकि उस किताब को हम दूसरे बच्चों तक पहुंचा के उस किताब का रीयूज करें, ताकि हमारे पेड़ कटने से भी बचें। आपको सबको मालूम है किताबें पेड़ों से ही बनती हैं, और पेड़ कटने से बचेंगे तो हमें कितना फ़ायदा होगा ये भी आप जानते हैं अच्छी तरह से। आपके साथ कई और लोग भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो मैं इनसे भी बात करना चाहूँगी। आपका नाम? अंजलि जी। अंजलि, तो आपने क्या नया रखा है इस बुक स्टोर पर बच्चों के लिए? जैसे इन्होंने बताया कि आप लोग जो बुक्स हैं उसे फिर से जो है रीयूज करते हैं। मैम, बेसिकली यहाँ पे हर टाइप के बुक्स हैं, नॉट ओनली एकेडमिकल, यहाँ पे नॉवेल्स, फिक्शन, सब टाइप के बुक्स हैं। और जो हमारी एकेडमिकल बुक्स रहती है वो हम लोग रखते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट है एकदम। यहाँ हम इसलिए आए हैं, फंड रेजिंग के लिए आए हैं, जिससे कि ये बुक्स का बेसिकली जो कॉज है वो हम उसे रन कर सकें, क्योंकि हमें फंड्स चाहिए उसके लिए ऑफकोर्स। तो बस उसको रन करने के लिए हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और लोगों को अवेयरनेस आए, उन्हें पता चले कि हाँ एक्चुअल बुक का जो रीच। किताबें जो बच्चों के लिए आप स्पेशली दिखाना चाहेंगे, क्योंकि आजकल जो है ज़माना डिजिटल हो रहा है, तो लोग जो हैं ज़्यादातर PDF में किताबें पढ़ना चाह रहे हैं, तो बच्चे जो हैं कौन सी किताबें आपके स्टोर से यहाँ पर आएँ और लेकर जाएँ? मैम, वो तो सब बच्चों की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि वो किस टाइप का पढ़ रहे हैं और क्या उनके, अगर यहाँ से अभी गई हूँ ज़्यादा बिकी हूँ। ओके, यहाँ पे मैम जनरली बेसिकली बिजनेस, फाइनेंस रिलेटेड और एनी फिक्शन नॉवल्स मैंने देखा यहाँ पे काफ़ी अभी अपकमिंग है, या बेसिकली स्टोरी बुक्स। तो बच्चों का जैसे आपने कहा कि आई कार्ड्स दिखा के बच्चे जो हैं बुक्स लेते हैं, तो किस तरह की किताबें ज़्यादा जो है स्टोर से, आपके करोल बाग के स्टोर से बच्चे पढ़ना चाहते हैं, या फिर IAS की तैयारी कर रहे हैं लोग, या फिर NCERT की किताबें, किस तरह की किताबें? मैम, सब टाइप के। वहाँ पे बेसिकली हमें ज़्यादातर अकेडमिकल बुक्स के लिए बच्चे अप्रोच करते हैं, वहाँ पे बच्चे आते हैं, हमें अपनी नीड्स बताते हैं, बुक्स की लिस्ट देते हैं कि ये बुक्स हैं, अगर हमारे पास अवेलेबल होती है हम उन्हें बस दे देते हैं, जस्ट एज अ प्रूफ कि वो एक्चुअली जेन्युइन स्टूडेंट है। तो हम उसके लिए उनसे ICARD देखते हैं, और ICARD में भी उनका सिर्फ स्टूडेंट ID, नथिंग एल्स, नो आधार, नथिंग एल्स। आपका ये कॉज कहाँ तक पहुँचा है, मतलब आप लोग इसे कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? मैम, मैक्सिमम बच्चे इसका यूटिलाइज कर सके, हमारा मेन मोटिव यही है। अभी हमने काफ़ी लैक्स में, नंबर ऑफ बुक्स में हमने काफ़ी ज़्यादा डोनेट किया है पास 6-7 ईयर्स से, और अभी मनी वाइज भी हम काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, बाकी आगे देखते हैं जितना कर पाएंगे और मैक्सिमम हम ट्राई करेंगे। तो हमने देखा कि हमारा बुक बैंक जो है वो गिव एंड टेक वाला, किताबों के मामले में अगर आप किताब यहाँ पर देते हैं आपको किताब मिलेंगी, और ये बहुत एक अच्छा कॉज है, क्योंकि इससे आप तो पहली बात नेचर को भी सेव कर रहे हैं और उन तमाम बच्चों की मदद कर रहे हैं जिनके पास आर्थिक तंगी है, जो बेसिक पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। हमारा बुक बैंक विश्व पुस्तक मेला में एक बहुत ही अच्छा कॉज लेकर हमारे सामने आया है।